डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट एफिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ एफिड्स। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर स्टर्नोरिंका, इंफ्रा ऑर्डर एफिडोमॉर्फा, सुपर फैमिली एफिडोइडिया एंड फैमिली एफिडिडी। एफिड्स, पॉपुलरली नोन एज प्लांट लाइस और एंट काउज, आर टाइनी प्लांट सैप सकिंग होमोप्टेरन इंसेक्ट्स वेरिंग इन साइज बिटवीन 0.7 टू 7 मिलीमीटर इन लेंथ। दे फॉर्म वन ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ फाइटोफेगस इंसेक्ट्स ड्यू टू देयर पॉलीफेजिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पार्थिनोजेनेसिस, विविपेरिटी एंड फास्ट डेवलपमेंट, होस्ट अल्टरनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस एक्सेट्रा। इन सुटेबल कंडीशंस देयर पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज एस्ट्रोनॉमिकल, सो दैट दे रैपिडली अटेन पेस्ट स्टेटस इन एग्रो इकोसिस्टम। एफिड्स सामान्यतः प्लांट लाइस या एंट काउस के नाम से जाने जाते हैं। ये छोटे होमोप्टेरन इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट सैप को सक करते हैं या प्लांट के जूस को चूसते हैं। इनकी लेंथ 0.7 से 7 मिलीमीटर तक हो सकती है। इनमें पॉलीफेजिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पार्थिनोजेनेसिस, विविपेरिटी, फास्ट डेवलपमेंट, होस्ट अल्टरनेशन तथा प्लांट वायरसेस को ट्रांसमिशन करने जैसे कई गुण पाए जाते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये फाइटोफेगस इंसेक्ट का एक मुख्य समूह बनाते हैं। पॉलीफेगिज्म का मतलब फीडिंग और यूटिलाइजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि विभिन्न प्रकार के फूड को ग्रहण करते हैं वह ऑर्गेनिज्म पॉलीफेगस कहलाते हैं। पॉलीमॉर्फिज मतलब बहुरूपता, जो कि जिसमें कई तरह के रूप हों, कई रूपों को प्रदर्शित करने का गुण पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पार्थिनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक जनन। फाइटोफेगस इंसेक्ट्स, फाइटोफेगस इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स पर फीड करते हों। फेगस का मतलब भक्षण करना तथा फाइटो का मतलब प्रकाश से है। तो जब फाइटो टर्म जहाँ पर यूज़ होती है वहाँ पर प्लांट्स से रिलेटेड टर्म होती है फाइटोफेगस, यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स पर फीड करें। होस्ट अल्टरनेशन, होस्ट अल्टरनेशन का मतलब जो कि अपने होस्ट को क्रमिक रूप से बदलते हों। तो ये सारी उन एफिड्स के गुण होते हैं और इसीलिए ये एक मेजर ग्रुप इंसेक्ट्स का बनाते हैं। जब कंडीशन सुटेबल होती हैं तो इनमें विभाजन की बहुत अधिक क्षमता होती है। इस क्षमता के कारण ये एग्रो इकोसिस्टम या कृषि पारिस्थितिक तंत्र में शीघ्रता से पेस्ट बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, एफिड्स आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू वार्म ट्रॉपिकल कंडीशंस। कूल टेम्परेट क्लाइमेट होल्ड्स मोर एफिड स्पीसीज। आउट ऑफ एस्टिमेटेड वर्ल्ड फौना ऑफ ओवर 4,700 स्पीसीज ऑफ एफिड्स, अबाउट 787 species are known from India, infesting over 1,200 species of plants.
In India, the northeast states harbor the largest proportion of aphids. The temperature range as well as the number of plant species greatly influences aphid species diversity. Host plant specificity and behavior. Aphids exhibit high degree of plant specificity. Each species within a genus feeds on certain plant species within a clearly defined group of genera. Majority of pest aphids restricts their feeding to species within one plant family. The most polyphagous cosmopolitan aphid, M. persici, is known to feast about 460 species of plants. Most aphid species show some degree of gregarious behavior. It helps to protect them against natural enemies. If one aphid is attacked by a ladybird beetle, for example, the information is rapidly communicated to the whole cluster as each aphid disturbs the next. This allows the winged ones to fly off and the apteri to walk around to other side of the leaves by the time the beetle has finished eating its original prey. अधिकतर एफिड की स्पीसीज में ग्रीगेरियस बिहेवियर पाया जाता है, यानी समूह में रहने का गुण पाया जाता है. यह गुण इन्हें उनके शत्रुओं से रक्षा करने में काम आता है. उदाहरण के तौर पर, अगर एक एफिड पर कोई एक लेडीबर्ड बीटल आक्रमण करे तो यह सूचना शीघ्रता से उनके पूरे समूह क्लस्टर में फैल जाती है. इसके कारण से वे एफिड्स जिनमें विंग्स होते हैं, विंग्ड एफिड्स उस जगह से उड़ जाते हैं, तथा वे एफिड्स जिनमें विंग्स नहीं होते, एप्टेरी जो होते हैं, वो लीव्स की दूसरी साइड में, दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण वे अपने आप को प्रीडेटर से या शत्रु से या इस बीटल से बचा लेते हैं. इस समय तक जब तक बीटल अपने ओरिजिनल प्रे को या ओरिजिनल शिकार को जब तक ख़त्म करता है खाकर, तब तक बाकी सारे एफिड्स उस जगह से दूर हो जाते हैं और इस तरह से अपने आप को उस बीटल से बचा लेते हैं. Most aphids have soft bodies which may be green, black, brown, pink or almost colorless. Aphids have antennae with two short, broad basal segments and up to four slender terminal segments. They have a pair of compound eyes with an ocular tubercle behind and above each eye made up of three lenses called triometidia. They feed on sap using sucking mouth parts called stylets enclosed in a sheath called a rostrum, which is formed from modifications of the mandible and maxilla of the insect mouth parts. अधिकतर एफिड्स का शरीर सॉफ्ट होता है. इनका कलर ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, पिंक या ये कलरलेस या रंगहीन भी हो सकते हैं. तो इनमें विभिन्न रंगों की विशेषता के कारण ये अपने वातावरण से इनका जो कलर है वो मैच करता है, मेल खाता है, और इस तरह से ये अपने आप को शत्रुओं से बचाए रखते हैं. इनके माउथ पार्ट्स सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, जिनको स्टाइलेट्स कहते हैं. ये एक शीथ में ढके रहते हैं, इसे रोस्ट्रम कहते हैं, और ये मैंडिबल तथा मैक्सिला के मॉडिफिकेशन से बनते हैं. They have long, thin legs with two jointed, two clawed tarsi. The majority of aphids are wingless, but winged forms are produced at certain times of year in many species. Most aphids have a pair of conicals or siphonculi abdominal tubes on the dorsal surface of their fifth abdominal segment,
through which they exude droplets of a quick hardening defensive fluid containing triacyl glycerols called conical wax. Other defensive compounds can also be produced by some species. Aphids have a tail-like protrusion called a coda above their rectal apertures. ज़्यादातर एफिड्स विंगलेस होते हैं, लेकिन कई स्पीसीज में कुछ वर्ष के कुछ विशेष समय पर विंग फॉर्म्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। अधिकतर एफिड्स में उनके फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट की डॉर्सल सरफेस पर एब्डोमिनल ट्यूब्स या जिन्हें कॉर्निकल्स या साइफन क्यूली कहते हैं, उनकी एक जोड़ी पाई जाती है। इनके द्वारा ये एक डिफेंसिव फ्लूड बाहर निकालते हैं। इस फ्लूड में ट्राईएसाइल ग्लिसरोल्स होता है। इस फ्लूड को कॉर्निकल वैक्स कहते हैं। ये वैक्स शीघ्रता से वातावरण के संपर्क में आते ही हार्ड हो जाता है। दूसरी स्पीसीज, दूसरे कई डिफेंसिव कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करती हैं। एफिड्स में एब्डोमेन के लास्ट पोर्शन पे टेल लाइक प्रोट्रशन या प्रवर्ध निकला रहता है, जिसे कॉडा कहते हैं, जो कि रेक्टल अपर्चर्स के ऊपर होता है। तो ये एफिड का डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड बॉडी। हेड में एक पेयर एंटीनी प्रेजेंट हैं, एंटीनल ट्यूबरकल प्रेजेंट हैं, कंपाउंड आइज हैं। एब्डोमेन में फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पर ये डॉर्सल सरफेस पर एक पेयर कॉर्निकल प्रेजेंट हैं। लास्ट में एक प्रोट्रशन या प्रवर्ध दिखाई दे रहा है, जिसे कॉडा कहते हैं। टू पेयर्स विंग्स हैं, फोर विंग्स हाइंड लिम्स के हाइंड विंग्स की अपेक्षा बड़े होते हैं। एफिड्स आर स्मॉल सैप सकिंग इंसेक्ट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सुपर फैमिली एफिडोइडिया। कॉमन नेम्स इंक्लूड ग्रीन फ्लाई एंड ब्लैक फ्लाई। Although individuals within a species can vary widely in color, the group includes the fluffy white woolly aphids. A typical life cycle involves flightless females leaving birth to female nymphs who may also be already pregnant, an adaptation scientists call telescopic development without the involvement of males. Maturing rapidly, females breed profusely so that the number of these insects multiplies quickly. Winged females may develop later in the season, allowing the insects to colonize new plants. In temperate regions, a phase of sexual reproduction occurs in the autumn, with the insects often overwintering as eggs. एफिड्स की टिपिकल लाइफ साइकिल में फ्लाइटलेस फीमेल्स होती हैं, यानी ऐसी फीमेल्स जिनमें विंग्स नहीं होते और जो उड़ नहीं पाती। ये फीमेल्स फीमेल निम्स को उत्पन्न करती हैं या उनको जन्म देती हैं। ये फीमेल निम्स पहले से ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये जो अडेप्टेशन है, उसको टेलीस्कोपिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें मेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अर्थात मेल्स इस क्रिया में भाग नहीं लेते। उनके बिना इन्वॉल्वमेंट के फीमेल रिप्रोडक्शन कर रही हैं। इसके कारण से ये फीमेल्स
जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और इनका नंबर बहुत अधिक बढ़ जाता है। सीज़न के आखिर में विंग फीमेल्स डेवलप हो सकती हैं। ये इसके कारण से नए प्लांट्स पर इनकी कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं। टेम्परेट रीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज़ भी आती है। यह फेज़ ऑटम में आती है, जिसके कारण से इंसेक्ट्स सर्दी का समय एग्स के रूप में व्यतीत करते हैं। एफिड्स आर अमंग द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट्स ऑन कल्टीवेटेड प्लांट्स इन टेम्परेट रीजन्स। इन एडिशन टू वीकनिंग द प्लांट बाय सकिंग सैप, दे एक्ट एज वेक्टर्स फॉर प्लांट वायरसेस एंड डिसफिगर ऑर्नामेंटल प्लांट्स विद डिपॉजिट्स ऑफ हनी ड्यू एंड द subsequent growth of sooty molds. Because of their ability to rapidly increase in numbers by asexual reproduction and telescopic development, they are a highly successful group of organisms from an ecological standpoint. Aphids cultivated plants per या कल्टीवेटेड प्लांट्स को डिस्ट्रक्ट करने वाले इंसेक्ट पेस्ट्स हैं। ज़्यादातर ये टेम्परेट रीजन्स में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स को उनके प्लांट्स से उनका सैप या उनका जूस सक कर लेते हैं, इसके कारण से ये प्लांट्स को वीक बना देते हैं। इसके अलावा ये प्लांट वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं। इस तरह से ये वैक्टर्स का काम भी करते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर हनी ड्यू का डिपॉजिट करते हैं, जिसके कारण ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स या ऐसे सौंदर्य वर्धक प्लांट्स या पादपों की सुंदरता को ख़राब कर देते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बहुत शीघ्रता से इनकी संख्या जो है बढ़ जाती है, और क्योंकि इनमें टेलीस्कोपिक डेवलपमेंट होता है तो ये बहुत ज़्यादा इनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो जाती है, और इस कारण से ये इकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से के दृष्टि में एक सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स हैं। यानी कि ये काफ़ी सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को एफिड्स के बारे में कुछ जानकारी दी। आगे दूसरे वीडियोस में मैं इनके बारे में कुछ और बातें बताऊंगी। थैंक यू।